मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम लोगों ने आज सेकंड चैप्टर भी किया है और हम थर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुत स्मॉल है तो हम लोग इसलिए थर्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये ग्रामर बुक का है चैप्टर नंबर 3, जंबल्ड सेंटेंसेस। लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन ग्रुप्स को देखिए। एंग्री लायन द वॉज, एग्जैक्टली इसका कोई मीनिंग नहीं निकला है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला है। लेट अस रीड दिस वर्ड्स लाइक दिस, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें और पढ़ें तो द लॉयन वॉज एंग्री, लॉयन बहुत गुस्सा था। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं या वाक्य हिंदी में बनाते हैं, अगर हम शब्दों का सही तरीके से प्रयोग ना करें तो वो क्या, वो एक वाक्य नहीं बन पाता। ऐसे इंग्लिश में अगर हम वर्ड्स को सही तरीके से प्रॉपर जगह पर ना रखें तो वो एक सेंटेंस नहीं बनता। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नाम का स्कूल मेरे द सेंचुरी, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ में आया ना बेटा? अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरे स्कूल का नाम द सेंचुरी स्कूल है, तो आपको समझ में आया है ना? इसी तरह से इंग्लिश में होता है और हिंदी में भी होता है कि हम लोगों को वाक्य या सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो प्रॉपर जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है वर्ड्स को, तभी वो एग्जैक्ट मीनिंग लगाता है, निकालता है। एक और देखिए, फास्ट द हेयर रन वेरी, दिस ग्रुप ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मीनिंग, वन अ मीनिंग, इसमें भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेट अस चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, अगर हम सिर्फ वर्ड्स के ऑर्डर को, यानी कि हम सिर्फ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो इनका मीनिंग निकल जाएगा। अगर हम सही क्रम से शब्दों को लिखेंगे तो इसका मीनिंग बन के आ जाएगा। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे है हेयर, हेयर होता है रैबिट को बोलते हैं, यानी कि खरगोश को। अब यहाँ खरगोश क्या कर रहा है, वर्ब क्या हुई, रन, कैसे दौड़ता है, वेरी फास्ट, द हेयर रन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। अब इसका मीनिंग निकल के आया ना, तो ऐसे नीचे इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इनको एग्जैक्ट सेंटेंस बनाना है आपको। अरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस, हमने ये जो इन्होंने वर्ड दिए हैं जंबल, इनको सेंटेंस में बनाना है। बिगनिंग ईच सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं या वो क्वेश्चन मार्क है या स्टेटमेंट है तो हमेशा बिगिन किससे, यानी कि शुरू किससे होता है, कैपिटल लेटर से। पुट अ फुल स्टॉप, और या तो फुल स्टॉप लगाएं अगर वो स्टेटमेंट है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया अभी, एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है, कुछ पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट देखिए, प्रीटी अ गर्ल इज सलमा, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, सलमा, सलमा हेल्पिंग वर्ब है, इज, या तो वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, तो सेकंड वर्ड आ जाएगा इज। क्या है वो, एक प्रीटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, अब ये बता रहा है तो यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। सेकंड है लुकिंग कलरफुल शी क्यूट ड्रेस इज दिस इन, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट किसी का नेम नहीं है तो हम यहाँ प्रोनाउन लेंगे शी, ठीक है। सेकंड क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या कर दिख रही है वो, लुकिंग कलरफुल, लुकिंग क्यूट, कैसी दिख रही है, लुकिंग क्यूट, किस में दिख रही है, इन दिस कलरफुल ड्रेस, शी इज लुकिंग क्यूट इन दिस कलरफुल ड्रेस, वो बता रहा है इसलिए फुल स्टॉप, समझ आया। नेक्स्ट है इनटू डॉग द रिवर जंप्ड द, सब्जेक्ट क्या हुआ, द डॉग, क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, जंप्ड, किस में जंप कर रहा है, इनटू द रिवर, बता रहा है फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द इज ऑन देयर जग एंड टेबल एम्प्टी, अब इसमें सब्जेक्ट बताइए क्या है, जग है ना। There is, हेल्पिंग वर्ब आ गई, there is an empty jug, एक खाली जग कहाँ पर रखा है, on the table, full stop। Next है is the name, what is the name of your, what of class teacher, what is, जब वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं या वर्ड है तो सबसे पहले स्टार्ट हम इससे करेंगे, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, अब व्हाट इज़ पूछ रहा है कि क्या है आपकी क्लास टीचर का नाम, तो क्लास में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क,
ओवर द जम्प्ड वॉल फॉक्स द फॉक्स क्या कर रही है, जम्प्ड, कहाँ कर रही है जम्प, ओवर द वॉल, फुल स्टॉप बताया, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है बाइसिकल हिज करन राइडिंग इज, अब सब्जेक्ट क्या हुआ, करन, क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हुई इज, राइडिंग मतलब चला रहा है, हिज बाइसिकल, करन इज राइडिंग हिज बाइसिकल, वो बता रहे हैं, तो फुल स्टॉप, समझ में आया। नेक्स्ट है वेयर वर्ड वगैरह जो सेंटेंस होते हैं उसमें अधिकतर ये जो वर्ड्स इस टाइप के होते हैं वो पहले ही लग जाते हैं, तो हमने लगाया वेयर, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, वेयर इज योर वाटर बॉटल, ठीक है। और पूछ रहा है तो इसलिए क्या लगाया बेटा हमने यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, तो इनको और भी अच्छे से करना है और समझना है ये, और ये कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ओके टुडे।